अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोसेफेलस के बारे में। हाइड्रोसेफेलस ये है क्या, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में विस्तार में हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो दोस्तों हाइड्रोसेफेलस जो है एक प्रकार की दिमाग की बीमारी है, जिसमें हमारा जो ब्रेन के अंदर जो पानी होता है, जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CSF भी कहते हैं, इस पानी का जो है मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे दिमाग के अंदरूनी वाले हिस्से में। और इसका जब प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो है ब्रेन के अंदर जो है कुछ चेंजेस चालू हो जाते हैं और इसी को जो है हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। नॉर्मली जिस तरह से एक मोटर व्हीकल, यानी कि चाहे आप बाइक ले लीजिए या कार ले लीजिए, उसके इंजन को रन करने के लिए जैसे इंजन ऑयल लगता है, वैसे ही जो है हमारे दिमाग को रन करने के लिए, दिमाग को जो है इफ़िशेंटली जो है चलाने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर जो है एक प्रकार का फ्लूड होता है। ये फ्लूड जो होता है ट्रांसपेरेंट वाटरी टाइप का फ्लूड होता है और इस फ्लूड को हम कहते हैं CSF, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। ये फ्लूड जो होता है वेंट्रिकल्स में मौजूद होता है, जो कि दिमाग के अंदरूनी वाले हिस्से में होता है। और ये फ्लूड जो होता है ये हमारे दिमाग से होते हुए वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जो है ये फ्लूड जो होता है चल रहा होता है, घूम रहा होता है। इस फ्लूड का काम होता है कि हमारे जो दिमाग के फंक्शन होते हैं उसको रेगुलर तरीके से जो है मेंटेन रखना। लेकिन कभी कभी जो है किसी कारण की वजह से ये जो CSF का फ्लूड होता है, इसका प्रेशर जो है दिमाग के अंदर ज़्यादा बन जाता है और इस प्रेशर की वजह से जो हमारे दिमाग के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है, यानी कि एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर, और जिससे ब्रेन सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो भी डिटोरिएट होते हैं, यानी कि उस पर भी जो है काफ़ी असर देखा जाता है। और उसी के साथ में जो है पेशेंट को कुछ फिजिकल सिम्टम भी जो है दिखाई देते हैं। और ज़्यादातर हाइड्रोसेफेलस जो है नवजात शिशुओं को असर करता है और 60 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। तो हाइड्रोसेफेलस के जो होने के कारण होते हैं मुख्यतः, या तो जो है इसका जो फ्लो होता है कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है CSF का जो फ्लूड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा बन जाता है हमारे ब्रेन्स के अंदर, या जो है CSF जो है हमारे ब्रेन के अंदर ज़्यादा बन रहा है जिसकी वजह से CSF का प्रेशर हमारे दिमाग के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर जो है CSF जो है पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ब्रेन्स के अंदर और उसी की वजह से जो है CSF का भी प्रेशर बढ़ता है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं हाइड्रोसेफेलस के सिम्टम्स, यानी कि लक्षण के ऊपर। ज़्यादातर जो नवजात शिशु हाइड्रोसेफेलस से पीड़ित होते हैं वो ज़्यादातर जो होता है माँ के पेट से ही ये बीमारी जो है चालू हो जाती है। ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको या तो जो है प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है या सिफिलिस का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से जो उनके भ्रूण के अंदर जो पल रहा बच्चा होता है उसको हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जब बच्चा दुनिया में आता है तो हाइड्रोसेफेलस के जितने भी बच्चे होते हैं उनके सर का आकार जो होता है वो बॉडी के आकार से काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये बच्चे को जो है हाइड्रोसेफेलस हुआ है। इस तरह के बच्चे का जो सर का साइज होता है ये कंटिन्यूली जो है बढ़ता ही रहता है, क्योंकि CSF जो होता है उसका प्रेशर ब्रेन के अंदर बढ़ता रहता है। पेशेंट को जो है हमेशा नींद आती रहती है, उल्टी वगैरह होती है, पेशेंट को सीजर वगैरह आते हैं, पेशेंट का जो ग्रोथ होता है, बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर उसको स्टिमुलस दे, अगर हम उसे चोटी भी काटें तो भी जो है पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इस तरह के जो है कुछ सिम्टम नवजात शिशुओं के अंदर जो है देखे जाते हैं। अगर ये किसी ओल्ड एज में या मिडल एज में किसी पेशेंट को अफेक्ट करें तो CSF प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से पेशेंट को जो है सर में दर्द हो सकता है, आँखों में जो है धुंधलापन वगैरह आ सकता है, यानी कि उनकी जो नज़रें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि CSF का प्रेशर पड़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व के ऊपर जो हमारी जो नस होती है जो कि विजन को कैरी करती है
हमारे ब्रेन सेल तक, तो उस नस के ऊपर जो है दबाव पड़ने की वजह से पेशेंट को दिखाई देना जो है कम हो जाता है। इस तरह के पेशेंट को जो है नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, इरिटेबिलिटी रहती है काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट में जो है सर में दर्द वगैरह रहता है, पेशेंट का जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ जाता है, पेशेंट जो है मूवमेंट को भी जो होता है बैलेंस नहीं कर पाता, उसे जो है चक्कर आ रहे होते हैं, और उसी के साथ में पेशेंट की जो भूख होती है वो भी मर जाती है। तो इस प्रकार के जो है कुछ सिम्टम जो होता है पेशेंट को डेवलप होते हैं। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस है तो हमें इसे पता करने के लिए MRI या फिर CT स्कैन जो होता है दिमाग का वो करवाना पड़ता है, और कभी कभी जो है हमें CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का भी जो है एग्जामिनेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर कोई मरीज जो है हाइड्रोसेफेलस से परेशान है तो उसे जो है कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के सहारे से जो है ठीक किया जा सकता है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर अगर यूज़ करेगा, कोई भी पेशेंट अगर यूज़ करेगा तो उसको जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है दिखाई देंगे। इसमें पहली दवा है वो है साइलिशिया। साइलिशिया को 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद दिन में 3 टाइम लेना है। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है एपिस मेलिफिका, इसे जो है आपको 200 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद दिन में 3 टाइम। और इसमें जो तीसरी और आखिरी दवा है वो है किलकीरिया काब, इसे भी जो है आप 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद दिन में 3 टाइम। और इन तीनों दवा का जो सेवन आप लगभग जो है 3 से 4 महीने तक यूज़ करें। 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान जो है हाइड्रोसेफेलस नॉर्मली जो है 95% तक जो है रिकवर हो जाता है, और उसके बाद में जो है आप इस दवा को 6 महीने तक भी जो है चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो हाइड्रोसेफेलस के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में भी जो है मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो Call Me 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।